यहाँ से काफ़ी हॉट हो चुका है, इनफैक्ट इतना गर्म हो चुका है कि आई कैनॉट रियली कीप इट इन द पॉकेट राइट नाउ। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 8:10, संडे का दिन है और 100% पे जो है बैटरी अभी इसकी चार्ज है। तो चलेंगे पिक्सल 6a को लेके संडे सुबह सीपी की तरफ, कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा जैसे यूजुअल। एक संडे का दिन मैं बिताना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ उस तरह का दिन हम बिताएंगे और देखेंगे कि दोपहर तक जब मैं वापस आता हूँ तो क्या इसकी बैटरी रहती है। मैं इसे फ़ोटोज़ भी खींचूंगा और यूजुअल जो काम मैं करता हूँ एक फ़ोन के साथ वो भी करूँगा और देखेंगे कि बैटरी इसकी कितनी देर चलती है। अब इसके साथ कनेक्टेड क्या क्या है, इसके साथ कनेक्टेड है मेरी ये घड़ी, ठीक है, ये नॉइस की घड़ी, और मेरा जो सैमसंग का बर्ड्स 2 है वो कनेक्टेड है। तो ये दो चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं तो उससे भी जो है थोड़ी बहुत बैटरी ऑफ कोर्स खपती है, तो वो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता था। बट चलो अभी चलते हैं, 8:11 हो चुके हैं, 100% पे है, फोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं, जनरल यूज़ करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं और देखते हैं कि इसकी बैटरी कितनी देर में कितनी ज़्यादा खपती है। चलिए, ऑल्सो शूटिंग इन 4K 30 राइट नाउ, 4K 60 नहीं, क्योंकि 4K 60 में जो है इसका 1x लेंस ही काम करता है, 0.6 या वाइड पे ये नहीं आता है। तो राइट नाउ शूटिंग इन 4K 30 पिक्सल 6a से और चल रहे हैं, ऑटो लेते हैं बाहर से बिकॉज आई हैव टू गो टू द मेट्रो स्टेशन एंड गेट द मेट्रो टूवर्ड्स कनॉट प्लेस, दैट्स हाउ आई ट्रैवल जनरली। चलो ऑटो तो मिल गया है एंड दिस इज हाउ द वाइड लुक्स एंड दिस इज हाउ द 1x लुक्स। 1x इज द बेस्ट लेंस मेरे हिसाब से। गुड मॉर्निंग गाइज, चल रहे हैं कनॉट प्लेस, आज पिक्सल 6a के साथ कंटेंट बना रहे हैं बहुत दिनों बाद और देखते हैं बैटरी लाइफ कैसी होती है। थोड़ा सा वार्म होना शुरू हो चुका है पिक्सल पीछे के से, जहाँ बैटरी होती है वहाँ से देखते हैं कितना गर्म होता है और पॉकेट में रखने के काबिल होता है कि नहीं। सो दिस इज कनॉट प्लेस, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन दिस टाउन, और चल रहे हैं थर्ड वेव कॉफी, जहाँ पे हम पियेंगे आज कॉफी। आज ब्लू टोकाई नहीं चलेंगे, आज थर्ड वेव कॉफी चलेंगे सिंस मन कर रहा है। जनरली सुबह सुबह ऐसा कुछ दिखता है, काफ़ी खाली विदाउट एनीबडी अराउंड। जनरली बहुत ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे होते हैं बट आप देख सकते हैं पूरा खाली है, बहुत ही बढ़िया। सो दिस इज़ थर्ड वेव कॉफ़ी, यहाँ पे मैं जनरली आना पसंद करता हूँ कभी कभार, वैसे तो मैं ब्लू टोकाई जाता हूँ आपको पता ही होगा, बट कभी कभी जो है थर्ड वेव आना भी पसंद करता हूँ। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स माय S23 Ultra, जो बी रोल्स आप देख रहे हैं इस वीडियो में वो इससे ही जो है लेने की कोशिश की जा रही है। और दिस इज़ द 4K 30 में अभी रेजोल्यूशन में क्वालिटी, फोकस शायद थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस यहाँ पे वो कर रहा है बिकॉज ऑफ लाइट, बट ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज़ आर फाइन 1x में, तो इट्स रियली नाइस। ऑल दो मैं जैसा कहता हूँ बहुत ही मीडियोकर ओवरऑल क्वालिटी है वीडियो की ऑफ द पिक्सल 6 है, देखते हैं बैटरी कितनी खपत हुई है। तो अभी देख सकते हो 9 बजने वाले हैं, 8:57 एंड द बैटरी इज़ 93%, ठीक है। तो वीडियोज़ वगैरह शूट किए हैं, अभी वाईफाई से कनेक्टेड है ऑफ थर्ड वेव कॉफ़ी, तो ये है बैटरी का सिचुएशन। गर्म अभी हो रहा था बट यहाँ पे AC है तो फिलहाल इट्स नॉट रियली गेटिंग हॉट एज सच, अभी ठीक है टेम्परेचर, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स द फोन फंक्शंस फैंटास्टिकली, बस इंतज़ार है एंड्रॉयड 14 आने का। और तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं वो सारे की सारी जो है मैंने पिक्सल 6a से ली है आज, फुल रेजोल्यूशन में बहुत बढ़िया, और वीडियो जैसा मैंने कहा
4K30 में ही शूट कर रहा हूँ, बोथ ऑन दिस द S23 अल्ट्रा और ऑन दिस द पिक्सल 6a एज वेल। जो ये बी रोल्स हैं ये सारे के सारे मैंने S23 से लिए हैं, और जो एक्चुअल में वीडियो चल रही है वो मैंने जो है पिक्सल 6a से लिए हैं। डन विद कॉफ़ी, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है तो एक कप कॉफ़ी यहाँ पे ली है मैंने। ये चलेंगे ब्लूटूकाल की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज ब्लूटूकाल गए बिना मेरा दिल नहीं लगता। सुबह के 10 बज रहे हैं और सीपी अभी भी खाली खाली है। संडे को ऐसा ही होता है जनरली। 82% बैटरी राइट नाउ, प्रिटी डिसेंट जिस तरह से मैं शूट कर रहा हूँ। वाईफाई पे मोस्टली कनेक्टेड है तो वाईफाई पे बैटरी कम खर्च होता है। जियो का जो है 5G इज़ नॉट रियली वर्किंग फ्रॉम व्हाट आई सी, कुछ इश्यूज़ कर रहे थे। मैं वाईफाई से ही कनेक्टेड हूँ। अपने S23 अल्ट्रा का जो नेट है उसको मैंने हॉटस्पॉट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और उससे जो है मैंने कनेक्ट कर रखा है पिक्सल 6a को, तो बैटरी में थोड़ा सा जो है फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वाईफाई में हमेशा बैटरी कम यूज़ होती है। भाई साहब आराम से सो रहे हैं, या बहन जी। डायनामिक रेंज भी जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, वीडियो में देख सकते हो आप 1x पे, इनफैक्ट इट इज़ इवन बेटर। जनरली दिस इज़ हाउ आई लाइक माय संडेज टू बी, चिल करना, कॉफ़ी पीना, यू नो दैट इज़ व्हाट आई डू। दूसरी कॉफ़ी के लिए चल रहे हैं ब्लू टोकाई में, दूसरी कॉफ़ी पियेंगे फिर घर चलेंगे, फिर देखते हैं अल्टीमेटली कितनी बैटरी बची होती है और क्या क्या मैंने शूट किया है। 4K30 पे कॉन्स्टेंटली शूट कर रहा हूँ और ऑफ कोर्स फोटोज तो लेता ही जा रहा हूँ। दिस इज अनदर ऑफ माई फेवरेट कॉफ़ी शॉप्स, ऑफ कोर्स ब्लू टोकाई कॉफ़ी। अगर आप मेरे को कहीं पे भी फॉलो करते हैं ऑन द सोशल मीडिया यू वुड नो दिस इज़ ए सीपी आउटलेट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। कॉफ़ी ऑर्डर करिए, बस आ ही रही है। ए शिवानी हेलो, कैसे हो? हैप्पी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। कुछ फ्री वे में कॉफ़ी पिलाओ यार आज। आज आई थिंक यू गॉट अ 20% डिस्काउंट राइट रोस्टेड कॉफ़ी में? यस सर, और हमारे कुछ भी अगर आप खरीदते हैं तो एक कॉफ़ी फ्री है। 600 का एक कॉफ़ी फ्री है, विच इज़ फेयर इनफ। थैंक यू, थैंक यू। अगर मैं आपको इसकी जो बैटरी यूजेज है वो हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच में वी आर एट 74%, जबकि मैंने कैमरा यूज़ किया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्रोम और पिक्सल लॉन्चर, यूट्यूब म्यूज़िक, नॉर्मल चीज़ें यूज़ करी है और करीब 30% जो है बैटरी खर्च चुकी है। ये 8 से 10 बजे का ये सारा डेटा है, अभी जो है सुबह के 10:40 हो चुके हैं, 74% पे वी आर एट द बैटरी। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। I feel that इसकी बैटरी लाइफ इज़ नॉट रियली समथिंग विच आई कैन रेकमेंड द फ़ोन फॉर। कैमरा फैंटास्टिक है बट बैटरी लाइफ के लिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करता था कभी भी, अभी भी मुझे वही लग रहा है। ऑल्दो वाईफाई से कनेक्टेड है, अगर 5G चल रहा होता तो और भी ज़्यादा जो है बैटरी इसकी खर्च होती, ये पक्की बात है, बिकॉज 5G में कॉन्स्टेंटली जो है फ़ोन टावर सर्च करता रहता है जिसकी वजह से बैटरी खर्च होती है। बट राइट नाउ वी आर एट 74% और अभी सुबह के 11 भी नहीं बजे हैं, तो ये चीज़ है। अभी थोड़ा बहुत और शूट करेंगे बिकॉज आई जस्ट फिनिश माई कॉफ़ी, और देखते हैं कि घर जब तक पहुंचता हूं तब तक कितनी इसकी बैटरी बचती है। ऑक्सफोर्ड बुक शॉप, देखते हैं कुछ किताब अगर खरीद पाऊँ, या जनरली भी आई लाइक जस्ट बींग हियर, वेरी नाइस फोटो अपॉर्चुनिटी एज वेल। इसकी अभी मैं तस्वीर लेता हूँ।
एक चीज़ जो इस बुक शॉप में नहीं है वो है हिंदी बुक्स, यू नो, और मैक्सिमम बुक शॉप्स मैंने यही देखा है कि हिंदी बुक्स की कमी होती है। काफ़ी बुक्स हैं, यू कैन फाइंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। अंदर भी सारा बुक शॉप है, मैं अंदर शूट नहीं करना चाहता हूँ, बट हिंदी बुक्स की कमी है। इनफैक्ट सेक्शन ही नहीं है हिंदी बुक का, यहाँ भी बाहर काफ़ी किताबें लगी हुई हैं, बट या और मैं आजकल हिंदी बुक्स पढ़ ही रहा हूँ। सो नाउ द बैटरी इज़ एट 67% आई फील, और थोड़ा सा गर्म हो गया है फ़ोन पीछे से जहाँ से जनरली होता है, एंड इट्स 11 o'clock। मौसम ठीक है, मौसम इतना गर्म नहीं है कि फ़ोन को इतना गर्म होना चाहिए, बट दैट इज़ हाउ पिक्सल डिवाइसेस जनरली आर। तो चल रहे मेट्रो की तरफ, बट स्टेबिलिटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है इस फ़ोन की 4K 30 में। चल रहे मेट्रो की तरफ एंड देन टूवर्ड्स होम। ये 1x में क्वालिटी है इसकी, 1x इज़ द बेस्ट लेंस। तो अगर आप कभी वीडियो शूट करें 4K में तो कोशिश करिएगा 1x में शूट करने का। ऑल्दो वाइड में मज़ा अपना अलग है, स्टेबिलिटी जो है आपको वाइड में थोड़ी सी बेहतर मिलेगी बिकॉज इट्स अ वाइड एंगल लेंस, वाइड एंगल विल ऑलवेज प्रोवाइड यू बेटर स्टेबिलिटी, बट बेटर क्वालिटी के लिए आप जो है 1x पे शूट करिएगा। 2x इज डिजिटल जूम, कभी मत करिएगा, मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट 0.6x एंड 1x आर द टू बेस्ट लेंसेज पॉसिबल। जहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम होती है वहाँ पे हल्का सा ग्रेन आ जाता है, बट दैट्स जस्ट हाउ द पिक्सल कैमरा जनरली इज। ओवरऑल डायनामिक रेंज वगैरह बहुत अच्छा है, बाहर काफ़ी ब्राइट है और यहाँ पे जो है इट्स वेरी शेडी, बहुत ज़्यादा डार्क है यहाँ पे, बट आप देख सकते हो स्काई को इसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है एक्सपोज किया हुआ है इन स्पाइट ऑफ बीइंग डार्क इनसाइड। बहुत बेहतरीन, मतलब ओवरऑल डायनामिक रेंज इज़ नाइस, क्वालिटी शायद मीडियोकर है, बट डायनामिक रेंज ऑफ द कैमरा इज़ something which you will fall in love with, चाहे still photography करते हैं आप, चाहे videos करते हो। अब जो है ये फ़ोन गर्म हो गया है पीछे से, यहाँ से काफ़ी गर्म हो गया है, एंड ऑल्सो थोड़ा सा जो मैं बताना चाहूँगा, अभी डे लाइट है, ठीक है, मैं शेड में बैठा हूँ, बट फुल ब्राइटनेस है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, फुल ब्राइटनेस है, फुल ब्राइटनेस में इसकी जो आउटडोर में लेजिबिलिटी है वो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान से देखना पड़ता है बिकॉज इसकी ओवरऑल पीक ब्राइटनेस जो है थोड़ी सी कम है, और ब्राइटनेस जब आप मैक्सिमम करके रखते हो उससे भी जो है यहाँ पे गर्म ये होने लगता है। अभी द बैटरी इज़ एट 64% एंड इट्स 11 o'clock इन द मॉर्निंग, और मैंने काफ़ी वीडियोज़ शूट करे हैं 4K में, फ़ोटोज़ भी लिए हैं, वाईफाई में लगा हुआ है सैमसंग S23 के हॉटस्पॉट से। तो ये इसकी राइट नाउ कंडीशन है बैटरी की, ओवरऑल फाइन, बट इट्स वेरी हॉट यहाँ पीछे से। आप अगर आई डोंट हैव अ टेम्परेचर सेंसर राइट नाउ, बट यहाँ से काफ़ी हॉट हो चुका है, इनफैक्ट इतना गर्म हो चुका है कि आई कैनॉट रियली कीप इट इन द पॉकेट राइट नाउ। तो वो है सीन। तो जो लोग मुझे पूछते हैं कि सर कितना गर्म होता है, इफ़ यू आर मेंटली रेडी दैट यू नो द पिक्सल 6 से विल गेट वार्म, वेल मोर देन वार्म, पिक्सल 6 से विल गेट हॉट, बट यू वॉन्ट अ गुड कैमरा एक्सपीरियंस with mediocre battery and mediocre video quality, उनके लिए I feel the Pixel 6a makes most sense. अगर camera आपका primary usage नहीं है then I feel that something like a S20 FE or even if you can stretch your budget something like a S21 FE will make more sense overall. Overall की बात कर रहा हूँ, I'm not talking about only camera or only battery life or only how the phone feels in the hand. 66%, 11 o'clock in the morning. We are in CP and going towards Delhi Metro because I have to reach home. और घर पर काफ़ी सारा जो है काम आज के दिन pending है, but ये video बनानी भी मेरे लिए ज़रूरी थी because I've been getting a lot of questions regarding the Pixel 6 and also because Flipkart का BBD sale is just around the corner. तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12, पौने 12 इनफैक्ट, एंड द बैटरी इज़ एट 57%। तो ये एक छोटा सा वीडियो था यार, कि जनरली एक वीडियो में मेरे को बैटरी लाइफ का आइडिया आप लोगों को देना था। तो अगर 57% अभी हो चुका है विथ माई काइंड ऑफ यूजेज, तो मुझे लगता है करीब 2:30 या 3 बजे तक जो है मुझे दोबारा से इसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज स्पीक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ ऑफ द पिक्सल 6 है, विच इज़ मीडियोकर एट बेस्ट। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आप देख सकते हैं और गर्म यहाँ पे अभी भी ये है,
बिकॉज मैं अभी शूट कर रहा था ऑटो में जब आ रहा था, आप देख सकते हो शायद पिछले क्लिप्स में मैंने दिखाया होगा, गर्म यहाँ पे हो रखा है काफ़ी. सो या आई मीन यू कैन टेक अ कॉल इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज द पिक्सल 6a ड्यूरिंग द फ्लिपकार्ट BBD सेल और नॉट. कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा, जवाब देना ऑफ कोर्स मेरा यू नो दिस इज़ माय ड्यूटी, ज़रूर जवाब दूंगा. बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द. 57% एंड ऑलमोस्ट 12 इन द आफ्टरनून. या दैट्स द पिक्सल 6a फॉर यू.